Good morning, students. I hope you all are fine and are paying attention to your studies at home. So today we are going to discuss the question answers of chapter 13, that is history of magazines. So we had already discussed the entire chapter, that how magazines came into use, when was printing press discovered, how did printing press help in creating newspapers, magazines, pamphlets, when was first magazine discovered, how are magazines useful to us. So all these things we discussed in the chapter. We have also discussed the difficult words. We have also discussed the back objectives. So today what we are going to do is we are going to discuss the question answers. Okay, so first question, how was the invention of printing press useful? Printing press ka invention kaise useful tha, kyun usko itna mahatva diya jata hai? Okay, so what will be the answer? The invention of printing press was useful as it helped in printing huge volume of pamphlets, almanacs and newsletters. So कैसे यूजफुल है प्रिंटिंग प्रेस? क्योंकि जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो लोग हाथों से लिखा करते थे, हाथ से लिख करके न्यूज़ को, इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते थे, एंड इट वॉज वेरी टीडियस, बहुत टेढ़ी खीर थी वो, बहुत मेहनत लगती थी उसमें. ओके, आप हाथ से कितना लिखोगे? ओके, सो बहुत कम लोगों तक इन्फॉर्मेशन, बहुत कम लोगों तक पढ़ाई लिखाई पहुँच पाती थी. बट जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो गया तो चीज़ों को प्रिंट करना, चीज़ों को फोटोकॉपी करना बहुत आसान हो गया. नाउ इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, नॉलेज कुड बी स्प्रेड टू ह्यूज नंबर ऑफ पीपल. सो दैट्स वाई प्रिंटिंग प्रेस वॉज वेरी यूजफुल इन प्रिंटिंग huge volumes of pamphlets, almanacs and newsletters. Now, what led to the popularity of magazines in the 1700s? 1700 mein magazines kyun itne popular ho gaye? Increased rate of literacy led to the popularity of magazines in the 1700 century थी उसमें पढ़ाई लिखाई की जो रेट थी, पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या थी वो तेजी से बढ़ने लगी. लोग पढ़ाई की तरफ अपना झुकाव, अपना रुचि दिखाने लगे. ओके, दैट्स वाई जब मैगजीन्स आए तो लोगों को उनको पढ़ने की इच्छा थी, क्योंकि उस वक्त पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और लोगों में नए नए चीज़ों को पढ़ने की, जानने की, नए इन्फॉर्मेशंस को जानने की, नए तरीकों को जानने की बहुत इच्छा थी. दैट्स वाई ड्यूरिंग 1700 सेंचुरी मैगजीन्स बिकेम वेरी पॉपुलर, बिकॉज नंबर ऑफ लिटरेट पीपल वॉज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल वॉज इंक्रीजिंग. ओके, how did the periodicals in 1700 resemble our modern newspapers? तो 1700 के periodicals थे, magazines थे, वो आजकल के newspaper की तरह कैसे थे, क्या similarity थी आजकल के newspapers और उस time के magazines में? Okay, see here, periodicals in 1700s resembled our modern newspapers as like our modern newspapers they were also published several times in a week. जैसे कि आजकल के न्यूज़पेपर वीक में बहुत दिन, जितने वीक है जितने वीक में दिन होते हैं उतने दिन प्रिंट होते हैं. एवरी डे यू गेट अ न्यू न्यूज़पेपर, एवरी डे न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड. ओके, सो सिमिलरली उस वक्त ही मैगजीन्स जो थे वो वीक में या सब और मंथ में या ईयर में एक बार प्रिंट नहीं होते थे, बल्कि एवरी डे दे यूज टू बी प्रिंटेड. ओके, सो दिस वॉज द सिमिलैरिटी बिटवीन न्यूज़पेपर्स ऑफ टूडे एंड 1700 टाइम के मैगजीन में. अंडरस्टूड? सो दिस वॉज द सिमिलैरिटी. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एडवर्ड केव्स रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ मैगजीन्स. मैगजीन्स के इवोल्यूशन में, मैगजीन्स के इन्वेंशन में, मैगजीन्स की दुनिया में आने में एडवर्ड केव का क्या योगदान था, क्या उन्होंने रोल किया, प्ले किया इसमें? ओके, सो द आंसर इज Edward Cave played an important role in the evolution of magazines as through his publication he gave us the term magazine. क्योंकि एडवर्ड का वो पहले इंसान थे जिन्होंने पहली बार अपना जो पब्लिकेशन था, जो मैगजीन उन्होंने प्रिंट किया, उससे पहली बार मैगजीन वर्ड दुनिया के सामने आया. सो ही वॉज द फर्स्ट मैन टू इंट्रोड्यूस द वर्ड मैगजीन टू द वर्ल्ड. सो दैट्स हाउ ही हेल्प्ड इन इवोल्यूशन ऑफ, इन क्रिएशन ऑफ मैगजीन्स. अंडरस्टूड? सो दैट्स ऑल. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द सेंटेंसेज. सो यू ऑल्सो ट्राई टू फ्रेम योर ओन सेंटेंसेज. ओके, मीनिंग्स पढ़ोगे और खुद से भी सेंटेंसेज बनाने की कोशिश करोगे. एंड यू हैव टू फेयर दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपीज, इन योर क्लास वर्क कॉपीज, इन अ वेरी गुड हैंड राइटिंग. ओके, एंड ट्राई टू लर्न देम ऑल्सो. दैट्स ऑल फॉर टूडे. थैंक यू.